अब इसमें डाल देंगे ऑयल, तो हम चेक कर लेते हैं, प्याज का छोटा सा टुकड़ा डाल के इसके अंदर, और गैस को हम हाई रखेंगे और इसके अंदर सारे प्याज डाल देंगे। मैंने 3-4 प्याज लिए थे जिनको लंबी लंबी स्लाइसों में कट कर लिया है, तो इसमें डाल देते हैं। प्याज आपको इसी तरह से काटना है कि ताकि जल्दी से पक जाए, क्रिस्पी बन जाए। इसे काटना बहुत ही आसान है। तो गैस को कर दूंगी मैं एक बार लो और इनको हम निकाल लेते हैं। इस बात का जरूर ध्यान रखिए इनको ज्यादा हमें काला नहीं करना है, बस इसी तरीके का रखना है हमें। इसी तेल में मैं डाल देती हूँ लहसुन की कलियां, 10-15 लहसुन की कलियां ली थी वो, इनको भी थोड़ा सा हम फ्राई कर लेंगे, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा हल्का सा भून लेंगे इनको भी हम, गैस को मीडियम कर देंगे। और इनको भी निकाल लेते हैं बाहर। इनको मैं ठंडा करके इनकी एक ग्रेवी बना लूंगी। आप मिक्सी जार में डाल के इनका एक बारीक सा पेस्ट बना लेंगे। अब इसमें डाल देंगे जीरा, और एक मैंने मोटी वाली इलायची ली थी तो इसको मैंने बीच से तोड़ दिया है, वो इसमें डाल देते हैं। एक तेजपत्ता, एक दालचीनी का टुकड़ा, गैस को मैंने लो कर दिया है। अब इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, इनको 10 सेकेंड के लिए इस तरीके से हम अच्छे से कर लेंगे मिक्स, और हल्का सा भून लेंगे। और अब इसमें डाल टमाटर का पेस्ट, मैंने 3 टमाटर लिए थे जिनका मैंने पेस्ट बना लिया है। टमाटर को 1-2 मिनट अच्छे से पका लेंगे हम। और इसे लगा देंगे ढककर, 1 या 2 मिनट के लिए इसको अच्छे से पकाएंगे हम। तो चेक कर लेते हैं, इसमें डाल देते हैं धनिया पाउडर, गरम मसाला, नमक स्वाद अनुसार ले लीजिए, और अच्छे से कर लेंगे मिक्स। हमें इसमें ज्यादा मसाले ऐड नहीं करने हैं। और जो हमने प्याज को भुना था उसका मैंने पेस्ट बना लिया, प्याज लहसुन अदरक का, तो वो इसमें डाल देते हैं। इसके साथ कर लेंगे अच्छे से मिक्स, और इसको हमें ज्यादा नहीं भूनना है क्योंकि प्याज अदरक लहसुन को पहले हमने तेल में फ्राई कर लिया था। मैं यहाँ पर गैस को बंद कर रही हूँ, थोड़ा सा इसको ठंडा होने देते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ दही, दही अगर आपको पसंद है तो आप डालिएगा, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं। तो मैंने गैस को पहले बंद कर दिया था, इसको थोड़ा ठंडा कर लिया। अब इसमें डाल देते हैं दही ताकि हमारा दही फटे नहीं, और इसके साथ कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। तो मैंने गैस को कर दिया ऑन, और इसको अच्छे से पका लेंगे।
दही के साथ मसालों को। तो ये मैंने दो मिर्च ली थी लंबी लंबी स्लाइसों में कट के लिया, वो इसमें डाल देते हैं। मैं यहाँ पर डालूंगी पानी। आपको ग्रेवी कैसी पसंद है, गाढ़ी या पतली, उस हिसाब से पानी डालिएगा। तो मैंने ये 200 ग्राम पनीर लिया था, चीज़ के मैंने छोटे छोटे टुकड़े कर लिए हैं, तो वो भी इसमें डाल देते हैं। तो अब इस पे लगा देंगे ढक्कन और 5-7 मिनट पनीर के साथ अच्छे से पकने देंगे। जब चेक कर लेते हैं हम, तो मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा घी। सब्जी बनने के बाद थोड़ा सा घी इसमें जरूर डालिएगा, इससे सब्जी का स्वाद बहुत ही अच्छा आएगा। और इसके साथ कर लेते हैं अच्छे से मिक्स। सब्जी में क्या अलग ही स्वाद आएगा। सब्जी बनके तैयार है। आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। आगे आपको क्या खाना पसंद आ वो भी बताना। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इंस्टाग्राम फेसबुक पर फॉलो कीजिए। फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।